जूनागढ़ भवनाथ तीर्थ क्षेत्र में गिरनार नी लीली परिक्रमा पूर्ण थता यात्राओं की पाखी हाजरी हती। परंतु कार्तिक पूर्णिमा अने चंद्र ग्रहणनो संयोग हो त्यारे भवनाथ तीर्थ क्षेत्र में जूना अखाड़ा थी संतोए पगपाड़ा भवनाथना मृगी कुंड खाते पहुंची त्या शाही स्नान कर्यु हतु। भवनाथ तीर्थ क्षेत्र में वधु एक वक्त शिवरात्रि दिगंबर साधुओं की रवाड़ी जेवो माहौल जोवा मळ्यो हतो। आ अंगे विस्तृत अहेवाल अनुसार कार्तिक पूर्णिमा अने चंद्र ग्रहणनो संयोग होय त्यारे जूनागढ़ना भवनाथ तीर्थ क्षेत्र में अखाड़ा परिषदना संरक्षण मंत्री हरिगिरी महाराजनी आगेवानी में तेमज महामंडलेश्वर महेन्द्रानंद गिरी किन्नर अखाड़ाना महामंडलेश्वर भवानी नंदगिरी भैरवी नंदगिरी जूना अखाड़ाना सभापति उपाध्यक्ष महंत दौलतगिरी महाराज दिनेश गिरी महाराज थाणापति बुद्धगिरी महाराज सहितना जूना अखाड़ा अग्नि अखाड़ा आहवाना अखाड़ा अने किन्नरो खाड़ाना वरिष्ठ संतोनी आगेवानी में शाही स्नान तेमज भवनाथ महादेवना 1605 पूजन अर्चन अने महाआरतीनु आयोजन करायो हतु। आ तके अखाड़ा परिषदना वरिष्ठ संत हरिगिरी महाराज द्वारा समुद्र मंथन थी शुरुआत करवामां आवेल ग्रहणनी परंपरानो इतिहास तेमज तेमनु महात्मय उपस्थित साधु संतो अने समाज श्रेष्ठियो अग्रणियों अने अधिकारीओने समजाव्यु हतु। साथे आ तके कुंड स्नाननु महात्मय पण जणाव्यु हतु। जूनागढ़ पोलिस विभागना उपस्थित उच्च अधिकारीओने साल ओढ़ाड़ी तिलक चंदन करी फळोनी भेट पूजा आपी सन्मानित कराया हता। समग्र कार्यक्रम बाद उपस्थित चारे अखाड़ाना संतोने भेट पूजा आपी विदाय आपी हती। भवनाथ तीर्थ क्षेत्रमां वधु एक वखत महाशिवरात्रिना परंपरागत योजाता शाही स्नान जेवो माहोल जोवा मळ्यो हतो। आ माहोल जोई उपस्थित दर्शनार्थीओ पण भाव विभोर साथे रोमांचित थया हता। नमो नारायण। आजे ग्रहण हतु अने ग्रहण पूरू थी एटले कारण अखाड़ाना तमाम साधु संतो संन्यासीओ मळी आम तो भारत वर्षनी अंदर तमाम प्रकारनी जे उत्तम प्रकारनी नदीओ आवेली छे जे पावनकारी ने पवित्र नदीओ छे तमाम नदीओनी अंदर तमाम प्रकारना साधु संतो अने मानव समुदाय ग्रहण पसीना योगमां स्नान करता होय छे। अहीं पण जूनागढ़मां गिरनार क्षेत्रमां भवनाथ स्थित जे मुर्गी कुंड आवेलो छे तेमां आजे ग्रहण पसीना समयनी अंदर मंदिरने खोलवामां आव्युं મંદિરને અને ભગવાનને સ્નાન કરવામાં આવ્યા તમામ અખાડાના તમામ દેવ દેવતાઓને સ્નાન કરાવ્યું જે અનંત યુગોથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે અને એ પરંપરાનો નિર્વાહ કરતાં આજે જ ફરી પાછું એ જ અમે ગ્રહણની પછીનું સ્નાન ભગવાન ગુરુદત્ત ભગવાનની પાલખી અને તમામ દેવ દેવતાનું સ્નાન મુર્ગીકુંડની અંદર કરાવ્યું અને આ જે પરંપરા છે એ આગળ પણ કાયમ ચાલુ રહેશે। નમો નારાયણ। ओम प्रणम श्रीसाध्यम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आय काम। आज अपने आप में प्राचीन परंपराएं जो कि सनातन का एक रीति रिवाज होता है किसी को भी दुखी होके दुखी व्यक्त करना किसी के दुख में शामिल होना उसके साथ खुद भी दुख का एहसास कराना उसको महसूस करना उसको पीड़ा को समझना इसी प्रकार से आज देवी देवताओं को और तमाम चीज़ें आधार को सत्यता को किसी गलत आदमी के हाथ में शक्ति न चली जाए इसको ध्यान में रखते हैं। अच्छे आदमी के हाथ में तलवार दिया जाएगा तो मानव की रक्षा करेगा जीव मात्र की रक्षा करेगा पृथ्वी का भगवान कहलाता है। इस तरीके से गलत आदमी के हाथ में चला गया तो उस तलवार का दुरुपयोग हो सकता है शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और मानव को विनाश कर सकता है जीव मात्र का हत्यारा हो सकता है। एक हिंसक पागल की तरह वो व्यक्ति शक्तिशाली वो किसी रूप में है एक हिंसक जानवर के अलावे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे संत महापुरुष और देवी देवताएं किसी नाम से जाने जाए
वो चाहते हैं गलत आदमी के हाथ में शक्ति न चली जाए। इसी परंपरा को समुद्र मंथन के समय से ये प्रक्रिया आरंभ हुआ। भगवान नारायण अर्धनारेश्वर बने। अर्धनारेश्वर बनने के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, तो दोनों ही एक पिता की औलाद हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो, और दोनों एक पिता होने के कारण और दोनों महादेव की इच्छा से वो शुक्राचारी बृहस्पति दोनों सगे भाई थे, और भाई होने के कारण वो दोनों गुरु पद पे प्राप्त हुए थे। तो ये हुआ कि शक्तियाँ मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो महादेव की आज्ञा से शुक्राचारी के तमाम व्यवस्था प्रयास से देव और असुर एक साथ आने का निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उसमें यह हुआ कि जो कुछ निकलेगा वो आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार तो नारायण जो थे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, शक्ति का रूप धारण किया, और एक अच्छी सुंदर मतलब जो है अप्सरा के तौर पे नारायण का प्रभाव हुआ। उनको देखा तो जो देवता देखा या असुर देखा दानों देखा, सिर्फ महादेव के लामे और जो ब्रह्मा के लामे उस रूप से कोई बच नहीं पाया। सारे लोग बोले कि नहीं ये हमको मिल जा, हमको प्राप्त हो जा, हमको प्राप्त हो जा, हमको प्राप्त हो जा, इस प्रकार का तमाम प्रकार विवाद। उस समय स्वयं नारायण ने मतलब जो है उस अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया, और लेने के बाद जो है क्योंकि असुरों के द्वारा वो कलश का क्षति शुरू हो गया था, क्योंकि वो कई जगह गिर गया, जैसे प्रथम त्रंकेश्वर में गिरा कुशावर्त में, उसके बाद वो उच्च भारी पड़ जाएगा। इस तरीके से वो अमृत पिला रहे थे। उसी टाइम जो एक राहु नाम का असुर था और वो तुरंत ही मतलब आके देवताओं के पंगत बैठ गया, और पंगत बैठने के बाद वो अमृत पान कर लिया। जो कि नारायण महादेव ब्रह्मदेव उनसे क्या छिप सकता था, वो जानबूझ के पिला दिया। जानबूझ के नारायण ने कि असुरों को देवताओं को पर अंकुश हीन न हो जाए, अंकुश बना रहे। इस तरीके से मतलब जो है भगवान नारायण ने चाहते हुए देखते हुए वो अमृत पिला दिया। अमृत पिलाने के बाद तुरंत चंद्रदेव सूरतदेव ने कहा कि मतलब ये महाराज असुर है, तो उसका सुदर्शन चक्र से गर्दन काटा, वो जानते थे काटने बाद एक से दो हो जाएगा, तो देवता खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि अब इसको मत काटिए महाराज, नहीं दे तो ये तो इसका विस्तार हो जाएगा, क्योंकि ये मर तो सकता नहीं, अमृत पान कर चुका है। इसलिए तुरंत मतलब जो है नारायण ने जे वही उसका गर्दन काटा, और तुरंत मतलब जो है एक के वो दो हो गया। देवताओं ने हाथ जोड़ा कि बस महाराज अब इसको पर प्रहार मत करो, पर उसका नाम बताने का वो सूरज ग्रहण। और देखिए महादेव ने न्याय किया, न्याय अच्छे आदमी के हाथ में को शक्ति रहता है तो न्याय करता है। उसने कहा बोले महाराज अमृत तो मैंने आपकी मर्जी से पिया, महादेव से कहा, नारायण से कहा और ब्रह्मदेव से कहा, और महारानी आर्दिन जो शक्ति आदि शक्ति थी उससे प्रार्थना किया कि हमारा अपराध क्या है। उसके बाद स्वयं तीर्थदेव की इच्छा से उन्होंने कहा कि आप अमर हो चुके हैं, आपका कहीं नाम नहीं खत्म होगा, पुरुषार्थ नहीं खत्म होगा, आप हमेशा रहेंगे और आपकी पूजा होगी, आप स्थान प्राप्त करेंगे, आप महत्वपूर्ण स्थान पर रहेंगे, अगर आप इन्हें समय समय से आप इनको इतनी शक्तिशाली हो बोले हमारा इतनी शक्ति देव कि मैं सूर्य नारायण को चंद्रदेव के इनके अपराध का दंड दे सके, इन्होंने मेरे क्यों बता दिया आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं शक्ति दूंगा, तुम्हारा प्रभाव बना रहे, पर यह कि इन्हें खत्म करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने अमृत पी लिया है ऐसे इन्होंने भी अमृत पी लिया है, इसलिए यह है कि आप कुछ काल के लिए ग्रसित होंगे और आपके इतिहास में नाम होगा, आपका कीर्ति होगा। उस कारण से
वो सूर्य नारायण को गिरा। उसके बाद हरिद्वार में हिमालय क्षेत्र में गिरा। उसके बाद वो हरिद्वार के बाद प्रयागराज के भूमि संगम पे अमृत गिरा और देखा कि नहीं, ये अमृत को तुरंत नहीं संभाला गया, ये पृथ्वी पे गिर के नष्ट हो जाएगा। फिर नारायण ने अपनी को उस रूप में आए, आने के बाद वो कलश उनके हाथ में। किन्नर अखाड़ा से श्री भैरवी नंदगिरी महामंडलेश्वर भवानी माई की शिष्य हूँ। आज हम यहाँ परिक्रमा के पर्वत यहाँ आए हुए हैं और आज यहाँ हमने आरती की और सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना की। भगवान सबके बाल बच्चे सही सलामत रहे, भगवान सबके घर में अन्न दे, सबको सही सलामत रखे। और हम सबसे यही प्रार्थना देशवासियों से करना चाहते हैं कि प्रकृति का ध्यान रखो। आने वाले समय में ये बड़ी आपदा हो सकती है, प्रकृति का नष्ट होने जा रहा है, आप प्रकृति का ख्याल रखो। और मेरा यही संदेश है कि हर इंसान के घर के बाहर दो पेड़ लगने चाहिए। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे देशवासियों को आज के दिन आशीर्वाद है। इसके साथ जय श्री महाकाल, ओम नमो नमः। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर शिष्य से हरिगुरु महाराज जी की हूँ। मैं जूना अखाड़े से हूँ। आज सूर्य चंद्र ग्रहण था और मैंने अपने समस्त किन्नर अखाड़े के साथ जन कल्याण के लिए स्नान किया, पूजा करी भवनाथ में। समस्त हिंदुस्तान के लिए, समस्त सनातनियों के लिए हम पूरे किन्नर अखाड़े ने प्रार्थना की है, परमात्मा ऐसे ही हमारे देश में तरक्की उन्नति दे और सबको सुख संपत्ति दे। परमात्मा सबको काया माया बनाए रखे, देश में शांति हो, विश्व कल्याण हो और प्रकृति का हम जितना हो सके बचाव करें, बचाने की कोशिश करें, मर्यादाएं बचाएं, संपदा बचाएं। बस यही है कि हम किन्नर समाज समस्त देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जय श्री महाकाल।